नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। फिल्म आर्टिकल 370 ने धमाल मचा दिया है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। ये फिल्म पहले दिन से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है और इसने एक हफ्ते में ही अपने बजट से दो गुना कमाई कर ली है। फिल्म ने 6 दिनों में 35 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं अब इस फिल्म के 7वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। आर्टिकल 370 ने 7वें दिन भी अच्छी कमाई की है। बता दें कि फिल्म ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.7 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने एक्स अकाउंट के जरिए दी है। आर्टिकल 370 पुट्स अप अ सॉलिड शो इन वीक 1। बिगर सेंटर्स आर ड्राइविंग इट्स बिजनेस, शुड ब्रीच 50 करोड़ मार्क इन वीकेंड 2। फ्राइडे 6.12 करोड़, सैटरडे 9.08 करोड़, संडे 10.25 करोड़, मंडे 3.60 करोड़, ट्यूसडे 3.55 करोड़, वेडनेसडे 3.15 करोड़, थर्सडे 3.07 करोड़, टोटल 38.82 करोड़। इंडिया बिज बॉक्स ऑफिस। What goes in favor of Article 370 is its controlled costing. The robust theatrical biz coupled with the revenue generated from non-theatrical avenues should ensure good profits for its makers. बता दी कि 370 पर बनी फिल्म ने पहले हफ्ते में सॉलिड कमाई की है। फिल्म जिस हिसाब से कमाई कर रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। बता दें कि आर्टिकल 370 को 20 करोड़ के बजट में बनाया गया है। फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 38 करोड़ का कारोबार कर बजट से ज्यादा कमाई कर सभी को हैरान कर दिया है। ये फिल्म अब प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। बता दें कि फिल्म आर्टिकल 370 कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब देश में किस तरह का माहौल था, लोगों ने किस तरह की परेशानियों का सामना किया था। इस फैसले का विरोध करने वाले मोदी विरोधियों को जरूर फिल्म की सफलता खटक रही होगी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देशों को भी चिड़न हो रही होगी, जिन्होंने रिलीज होते ही फिल्म आर्टिकल 370 को बैन कर दिया था। दरअसल कुछ दिनों पहले ही बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने धारा 370 पर बनी फिल्म को बैन कर दिया था। इन मुस्लिम देशों को लग रहा होगा कि फिल्म पर बैन लगाने से फिल्म का विरोध होगा और इसकी कमाई पर बुरा असर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। आर्टिकल 370 ने न सिर्फ अपना बजट निकाला है, बल्कि फिल्म को खूब प्रॉफिट भी हो रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी फिल्म का जिक्र किया था। दरअसल पीएम मोदी ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि फिल्म के जरिए लोगों को सही जानकारी मिलेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि बीजेपी ने कश्मीर से 370 हटाया, अब 370 सीटें दीजिए। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। बता दें कि 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई आर्टिकल 370 को आदित्य सुहास झांबाले ने डायरेक्ट किया है, जबकि इस फिल्म को यामी गौतम के पति आदित्य धर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में यामी गौतम अहम रोल में नजर आई हैं, जिन्होंने फिल्म में एनआईए ऑफिसर का रोल प्ले किया है। वहीं प्रिया मणि ने पॉलिटिशियन का रोल निभाया है। इसके अलावा फिल्म में अरुण गोविल भी दिखाई दिए हैं, जिन्होंने पीएम मोदी का किरदार निभाया है। वहीं किरण कर्माकर ने अमित शाह का रोल प्ले किया है। फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ पब्लिक की तरफ से भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। वहीं हाल ही में यामी गौतम और उनके पति आदित्य धर ने फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस पर अपनी खुशी जाहिर की थी। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ये वीडियो।